22 फरवरी से दिल्ली सरकार के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और इस बार बजट सत्र में युवा अपने लिए क्या उम्मीद देख रहे हैं, 2019-20 के बजट सत्र में बजट में युवा अपने लिए क्या चाहते हैं और दिल्ली सरकार से वे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, यह हमने जानने की कोशिश की। आइए युवाओं से ही जानते हैं कि वे अपने लिए बजट में क्या चाहते हैं। बजट का सर अगर बात करी जाए तो मैं बेसिकली वुमेन सेफ्टी के बारे में बोलूँगी कि दिल्ली में इतनी सेफ्टी नहीं है वुमेन्स के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बजट मैं गवर्नमेंट का अपना व्यू देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के बारे में मैं क्या सोचती हूँ। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को अपना अच्छा करने की ज़रूरत है वहाँ यही है कि वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बात करें। CCTV कैमराज उन्होंने बोला था हर जगह लगवाएंगे जो अभी तक कहीं पर भी नहीं दिखे हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारी गवर्नमेंट बात करती है लेकिन उनकी कहीं भी चीज़ें हमेशा ऐसी खारिज हो जाती है। तो मैं यही चाहती हूँ गवर्नमेंट अपना बेस्ट दे। अगर हम अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी ज़रूरत है अपने आप को प्रूव करने की, जहाँ मुझे लगता है कि हर बार हमारी गवर्नमेंट फेल हो रही है। टीचर जॉब की अगर बात करते हैं वहाँ पर रिजर्वेशन इतना है। अभी मोदी जी ने एक स्टेप लिया था कि रिजर्वेशन कम कर रहे हैं, वो जनरल के लिए भी उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल लेना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा स्टेप था। दिल्ली गवर्नमेंट को भी ज़रूर लेना चाहिए, इससे जो EWS सेक्शन के लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा, हमारी जो कंट्री में ऐसे ही हमारी कंट्री डेवलप हो पाएगी। और मैं दिल्ली में वेस्ट विनोद नगर मंडावली में रहता हूँ, करीब 3 साल से रह रहा हूँ। तो वहाँ की कंडीशन अगर पॉल्यूशन के मामले में बात करें तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। काम चल रहा अभी करीब 8-10 महीनों से काम चल रहा है वहाँ पे और लगातार कुछ ना कुछ काम चल रहा है, लेकिन सबसे जो मेन समस्या मुझे नज़र आती है पानी की। वहाँ की पानी जो होती है जो दिल्ली जल बोर्ड से आती है वो अच्छी नहीं होती, तो इस चक्कर में कई जो स्टूडेंट रहते हैं लक्ष्मी नगर में या फिर मंडावली में वो बीमार पड़ जाते हैं और इसके बाद वापस उन्हें घर जाना पड़ता है, जो बिहार के हैं या फिर UP जो आउटसाइड दिल्ली के चलो ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन तो ऑब्वियसली बात है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया जो स्वच्छ भारत अभियान, इस पर हम सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ये कि जितना होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा। मैं ऐसे यूथ अपना ओपिनियन ये रखना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को लेकर सामने ला सके, पेश कर सके, जैसे कि पढ़ाई को लेकर, ठीक है। और आजकल जैसे माहौल ख़राब होते जा रहा है पढ़ाई को लेकर, ज़्यादा बच्चे इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है, उस चीज़ को लेकर अपने कुछ चीज़ सोच सके सरकार के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार को कि अगर पॉल्यूशन के लिए वो कुछ सोचे कि कैसे गाड़ियों को कम किया जा सकता है, जैसे अभी ऑर्डिनेशन वाला केस हुआ था, जैसे रूल आया था ऐसे ही कुछ, ऐसे कुछ अगर वो दोबारा से निकालती है, पेश करती है तो बहुत बेहतर होगा कि पॉल्यूशन, इस समय पॉल्यूशन की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। नहीं, वो बहुत बढ़िया है, CCTV हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इससे हमारा एक तो फ्यूल बच रहा है एंड सेकेंडली कुछ भी गलत होता है तो हम सामने देख सकते हैं उसको, कुछ भी गलत हो रहा है। आजकल काफ़ी चोरी वगैरह बढ़ चुकी है इस चीज़ को लेकर कि भैया CCTV लगाना इट्स मैंडेटरी कर दे हर जगह, तो चोरों की जो मात्रा बढ़ चुकी है, जो तादाद बढ़ चुकी है वो बहुत कम हो जाएगी।